शांति। 25 अक्टूबर 2024 प्रहता मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है नज़र से निहाल। बच्चे, बाप की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है नज़र से निहाल। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए क्यों? तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए क्यों? बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नज़र से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारे विश्व निहाल हो जाएगी। वह कहते, हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नज़र से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारे विश्व निहाल हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1 पॉइंट, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। सेकंड पॉइंट, रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं। रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं। कोई शैतानी काम तो नहीं किया। कोई शैतानी काम तो नहीं किया। लोभ के वश तो नहीं हुए। लोभ के वश तो नहीं हुए। आज की मुरली का वरदान है, वरदाता द्वारा सबसे संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। वरदाता द्वारा सबसे संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। विश्लेषण है, किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की शेष संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो यह सब शेष संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सबसे संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। आप सबके पास तो सबसे संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को ही संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को
सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। आज की मुरली का स्लोगन है, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। ओम शांति।